का यार मम्मी पूरा संतोष का सबकी याद आ रही है यार। क्या बेटिंग का सीन रहता है, मेरे को तो अजीब लग रहा है, बट कोई नहीं, जाना घर है तो जाना ही पड़ेगा ना। घर होता है, जल्दी जाने का मन कर रहा है यार का। भाई तो 3 साल से नहीं गया घर, 3 साल तो बस एक्साइटमेंट है घर जाने का। बोरिंग सा हो रहा है यार, कब से ट्रेन में बैठा हूँ। बाय बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे सभी? आई होप सो बढ़िया हो गए। और आज अभी मैं हूँ मुंबई में, आज मेरा मुंबई का लास्ट दिन है। एक्चुअली अभी मैं मुंबई से निकल रहा हूँ घर की ओर, क्योंकि जितना दिन रहना था मेरे को मुंबई में, जो भी काम में था वो सारा हो चुका, बस एक काम था वो बाकी रह गया, वो आने वाले वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। शायद आप लोगों को पता चल भी गया होगा क्या काम बाकी था, वो नेक्स्ट टाइम हम पूरा करेंगे बढ़िया से आके। एंड अभी फिलहाल क्या है कि अभी ज्यादा दिन हो गया, यहाँ पे मन भी नहीं लग रहा, अब भूलने का कुछ है भी नहीं, तो फिर यहाँ रहकर क्या करें। तो अभी मैं सोचा चलो घर पे चलते हैं। कहा यार मम्मी पूरा संतोष का सबकी याद आ रही है यार। हे अरे जी रवि भाई, क्या हाल चल भाई? बढ़िया भाई, जा रहा है छोड़ के मुझे। एक्चुअली देखो ये सीन हो रहा, जाने का मन भी नहीं कर रहा और रहने का भी मन नहीं कर रहा, तो बीच बीच में फंसे, बट जाना तो पड़ेगा ना। घर होता है, जल्दी जाने का मन कर रहा है यार का। भाई तो 3 साल से नहीं गया घर, 3 साढ़े 3 साल। जाओ 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 जल्दी ही जाओ घर की, जाएंगे दिवाली में। सो फिलहाल गाइज चलते हैं, मैं भी एंड आप लोग भी मिस कर रहे हो, संतोष पूनम मम्मी सबको आप लोग भी मिस कर रहे हो, तो फिलहाल निकलते हैं ना। तो गाइज मुंबई की छोटी छोटी गलियों से मैं तो अभी निकलता हूँ, इतनी छोटी छोटी गलियां हैं ना कि आप लोग देख के नाराज होता है कि एक मोटा प्रॉपर आदमी यहाँ घुस नहीं सकता, दो आदमी मतलब एक साइड से आ नहीं सकता, इतनी छोटी छोटी गलियां, बट लोग यहाँ पर स्ट्रगल फेस में रहते हैं या किसी तरह से देख सकते हैं। भाई ये गली है मेन गली, भाई उधर ही जा रहे हो क्या? भाई ये कौन सा गली में जा रहे हैं? ये देखो तुम भी देख सकते हो कितनी पतली गली है ये, कह रवि भाई कैसे जा रहे हैं, मैं कैसे जा रहा हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। बाकी फिलहाल मैं तो भाई सब यहाँ पर 5 दिन 10 दिन से ज़्यादा रह ही नहीं सकता, यहाँ पर हालत ख़राब हो जाएगा। मैं भी सोचता था स्टार्टिंग में यार मैं भाग के मुंबई आऊँगा, लेकिन मुंबई आने का नहीं बाबा, मुंबई में भाई ऐसी स्ट्रगल करना पड़ता है ना कि सोच भी सकते हो। बाथरूम जैसा घर मिलेगा उसमें रहना पड़ेगा, प्लस में आपको उसका किराया पता है कितना लगता है? 5,000-7,000, डिपॉजिट 50,000, ऐसा ऐसा किराया लगता है। फिलहाल अभी आ चुका रोड पे, बाकी यहाँ से ऑटो पकड़ कर अभी निकलते हैं खार। खार जाएंगे सांता क्रूज से फिर CST जाना है। फिलहाल गाइज हम लोग अभी आ चुके हैं दादर, पीछे दादर है। एक्चुअली हमारा जो ट्रेन था वो CST से था, लेकिन हम लोगों को जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, इसलिए हम लोग दादर ही आ गए, दादर से चढ़ेंगे ट्रेन। और हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग में इस बार जाना पड़ेगा। क्या वेटिंग का सीन रहता है, मेरे को तो अजीब लग रहा है, बट कोई नहीं, जाना घर है तो जाना ही पड़ेगा ना। हमारी ट्रेन इधर आ चुकी है, फिलहाल गाइज हम घर निकलते हैं यार, घर निकल जाते हैं, वेटिंग में जाना है। क्या भाई फिर मिलते हैं ना, आराम से चले जाना, पहुँच कर कॉल करना रूम पर, ठीक है? बाय, फिर मिलते हैं। क्या अंकल? आसनसोल। तो फिलहाल गाइस मुंबई को बाय बाय कहते हैं, फिलहाल पटना को वेलकम करते हैं, तो फिलहाल निकलते हैं हम लोग। हाँ नहीं यार क्या हो गए, कोई नहीं, अपना गांव आना, ठीक है? भाई पहले तो मेरे को नींद बहुत जोर से आ रही है, मैं सोच रहा हूँ यार पहले जाकर सोता हूँ किस तरह से, क्योंकि नींद आ रही है मेरे को। और सबसे बड़ा दिक्कत है मैं खाने के लिए कुछ नहीं लाया, तो देखते हूँ अगर ट्रेन पर क्या जर्नी होती है। ये जर्नी बहुत ही कठिन होने वाली है, क्योंकि मेरा सीट भी कन्फर्म नहीं है, फिर बहुत सारा चीज़ें हो रही है। तो फिर कोई नहीं, स्ट्रगल करके ही तो जाना है, यही तो बाकी है, अभी कर रहा हूँ। बाय बाय। सुराज अभी रात के 2 बज चुके हैं, रात के 2 बजे मैं पहुंचा अभी जबलपुर, तो बस सोया हुआ नहीं था जगह हुआ, तो सोचा चलो ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं। बस अभी सुबह होने को वाकई है, किसी तरह से एडजस्ट कर जा रहा हूँ यार, मतलब बहुत हार्ड स्ट्रगल है ट्रेन में, जब अब तक सीट कंफर्म नहीं होता। तो बाकी अभी मैं बैठा हूँ 8 में, चलो कोई नहीं पहुँचते हैं घर पर। मैं तो मुंबई में था, मुंबई में भाई साहब नॉर्मल ठंडी था, जब यहाँ आया तो पता चला ठंडी है, मतलब हालत ख़राब ठंडी है। तो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं मुगल सराय के बाद फिर हम लोग बक्सर के बाद डायरेक्टली पटना। तो बस एक्साइटमेंट है घर जाने का, बोरिंग सा हो रहा है यार, कब से ट्रेन में बैठा हूँ। ट्रेन का सफ़र कभी कभी बहुत ही हार्ड होता है। अभी यहाँ पर बीच में देखो रोक दिया है, एक्चुअली यह पटना से मेरा एक और ट्रेन है सेम ही टाइम पे, थोड़ा सा आगे पीछे, ट्रेन सही टाइम पर पहुँचा दी तो मैं घर के लिए तुरंत निकल जाऊँगा, नहीं तो फिर मेरे को रुकना पड़ेगा पटना में। देखते हैं क्या सीन होता है। अभी तो ट्रेन भाई साहब इधर ही है,
लगता कुछ आ रही है शायद, इस वजह से रुकी हुई है। और इधर इतना ठंडा है, हालत खराब है। और पटना पहुंचने से बस थोड़ा सा देरी है, 2 किलोमीटर और बच रहा पटना पहुंचना। और हमारी जो घर जाने की जो ट्रेन है ना, वो पटना में लगी हुई है, 1 मिनट में निकल जाएगी। यार 1 मिनट में पहुंचा दे तो मैं घर चला जाऊंगा आराम से, नहीं तो फिर मेरे को बस से या फिर ऑटो से जाना पड़ेगा, बस उसी चीज़ का दुख है। तो फाइनली अभी पहुँच ही गए हैं पटना। तो भाई साहब अभी पहुँच चुके हैं पटना, लेकिन हमारी जो ट्रेन थी घर के लिए वो निकल चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे थी। हफ्ते 3 पे कोई और ट्रेन है भाई, मेरे को आज लगता है पटना ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि फिर ज़्यादा देर रात हो जाता है। अब डायरेक्टली हमारे घर के लिए ट्रेन है 8 बजे रात को, तो वो देखते क्या सीन होता है। टोकर लेके हम जा रहे हैं घर पे, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, रात हो जाएगा, काफ़ी ठंड भी है। टोपी तो नहीं है ना मेरे पास, ज़्यादा ठंड लग रही है। फिलहाल कोई नहीं, घर पे चल के आपको मिलते हैं। टिकट पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गया, ठंड ऐसी लग रही है कि हालत ख़राब हो गया बिल्कुल। फिलहाल अभी बाइक मंगवाए हैं घर से, उसके बाद फिर निकलते हैं। फिलहाल गाइस अभी पहुंच चुके घर, एंड इधर आते के साथ संतोष का काम है बैग चेक करना है ना। चाचा जब निकाल सकते भाई साहब, ठंडी इधर हालत खराब, ठंडी है हालत खराब। चीटर चीटर पता नहीं क्या क्या इंग्लिश में बोल रहा है, ठंडी तो हालत खराब है। बाकी अभी तो सही से घर पहुंच चुका हूँ, बाकी मिलता हूँ आप लोगों को कल। बहुत दिन से मम्मी ब्लॉग में नहीं आई थी, पैर नेटल होगा मम्मी इसका। अरे बहुत बड़ा हो गया मम्मी, ये बहुत बड़ा हो गया खरगोश। चावल तो मैं खाया ही नहीं हूँ, बस चावल, घर की खाना तो निभाने नहीं है। उधर जब भी बाहर बाहर में खाली खाना पड़ता था। क्या हुआ उसको दे दो, उसको दे दो। सो फिलहाल मिलते हैं आप लोगों को एडिट करके। सो भाई साहब हमारा एडिटिंग वगैरह भी कंप्लीट हो चुका है, एंड आज के ब्लॉग के लिए यहीं तक रखता हूँ। एंड आप लोग देखे होंगे मुंबई से घर तक का सफ़र, ये तो सफ़र है 30 घंटा का, लेकिन आप लोगों को मैं 7 मिनट में दिखा दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह सफर पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय।